शाही मुर्दाबाद मैं बलवंतर राज बैद। हमारा जो आज का वनडे प्रोटेस्ट है वो सरकार के खिलाफ है। जो हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव किस्म के इंसान हैं। हमारा जो डीपीसी का मसला है बहुत सालों से अटका हुआ है, आज तक हमारी जो डीपीसी नहीं हुई है। लिहाजा जो हमारे डेली वेजर भाई हैं उनकी जो वेजिस का मसला है, हर महीने हमारी जो वेजिस रिलीज होती थी, हमारे जो चार डिवीजन है सिटी फर्स्ट सिटी सेकंड नॉर्थ और साउथ डिवीजन जो है वो म्यूनसिपल्टी में कर दिए हैं। हम जो पूछना चाहते हैं चीफ इंजीनियर से या गवर्नमेंट से, क्या ये इतना नालायक डिपार्टमेंट है जो संभाला नहीं जा रहा है, इनको जो चार डिवीजन इन्होंने म्यूनसिपल्टी के हवाले कर दिए हैं। अगर करना ही था पूरा डिपार्टमेंट करना था, जो इतने बड़े अफसर हैं जो जेई है AWACS है जो SC है या चीफ इंजीनियर है, किस लिए रखा है इनको, किस लिए तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, क्यों दे रही है इनको? ये खाली जाली स्कीमें बनाने के लिए इधर बैठे हुए हैं चीफ ऑफिस में। तो हमारा ये कहने का मतलब है, अगर इन्होंने करना था हमारा पहले कोई बेस बनाते, हमारा कुछ पता चलता हमें भाई, जो हमारे जो प्रमोशन है, जो डीपीसी का मसला है, जो और हमारे मसले हैं, जो परमानेंट करने का मसला है, डेली वेजर का रेगुलर का मसला है, तो जो हमारी सैलरी है, जो वेजिस है वो कौन देगा, उसका माँ बाप कौन है? लिहाजा हमें जो तक जहाँ तक कुछ नहीं हमें पता है कि हमारी वेजिस किसने देनी है, सैलरी किसने देनी है। हम जो चाहते हैं सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर इन लोगों का कोई काम नहीं है डिपार्टमेंट में तो इनको कहीं और अटैच करो। हमारा जो चार्ट विजन का मसला है हमें दोबारा इधर ही शिफ्ट करना चाहिए। हमें PH में रहना है, हमें म्यूनसिपलिटी में नहीं जाना है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी में हमने झाड़ू फोड़े लगाना है। म्यूनसिपलिटी का मसले बहुत अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग है। हमारा जो डिपार्टमेंट है PH है, जल शक्ति है, जो जल शक्ति विभाग है, हमें उसी के साथ अटैच रहना है। जिस LG से हमारी जो डिमांड है और कमीशन सेक्रेटरी साहब से ये डिमांड है कि हमें इसी जो चीफ ऑफिस के साथ ही अटैच रखा जाए। जो हमारे मेन स्टेशन है, जो चार डिवीजन मेन है हमारे जो सिटी के, वो इधर ही रहने चाहिए। तो और हमारी जो मांगे हैं, डेली वेजर का मसला है, फौरी तौर पर हल होना चाहिए। जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो आज हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो कम रह गए हैं, वो 15% है, 85% जो हमारा डेली वेजर है। तो हम चाहते हैं कि ये डेली वेजर का फौरी तौर पर मसला हल किया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए, नहीं तो आए दिन आने वाले दिनों में कुछ बड़ा तूफान आएगा। जिन्हें हम कोई गिदड़ धमकी नहीं दे रहे हैं, जो हम करके दिखाएंगे, ज्यादा ज्यादा स्टैंड पे जो प्रोटेस्ट होगा, जम्मू शहर का जो ट्रैफिक है, जहाँ कोई आवाजाही है, हम नहीं चाहते हैं कि बंद हो, कि गवर्नमेंट को हरासमेंट होना पड़े। तो हमारी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट अपने वाले जो वादे किए थे LG साहब ने, जो डेली वेजर साहब, उन पर खरा